नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक शो। केरल की विवादित सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर स्थानीय पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया है। दरअसल इस वीडियो में फातिमा अपने दो नाबालिग बच्चों से अपने अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग बनवा रही है। पथार नाम थिट्टा जिले के थिरुवल्ला पुलिस स्टेशन ने फातिमा के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन सामग्री प्रसारित करना और बाल अपराध के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला एक स्थानीय भाजपा ओबीसी मोर्चा नेता की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। फातिमा ने यह वीडियो बॉडी एंड पॉलिटिक्स नाम से पोस्ट किया था जो देखते ही देखते वायरल हो गया है। इस बीच केरल के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर 10 दिनों के अंदर पतनमतिट्टा जिले पुलिस प्रखंड के रिपोर्ट मांगी है। पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि वीडियो कैसे और क्यों अपलोड किया गया था। फिलहाल हम मामले की जांच कर रहे हैं। फातिमा ने इस वीडियो को फेसबुक अकाउंट के माध्यम से अपने यूट्यूब पर अपलोड किया था। साथ ही उन्होंने एक नोट लिखकर ऐसा करने की वजह भी बताई थी। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि आंखों में संक्रमण के कारण वह आराम कर रही थी, इस दौरान उनके बच्चों ने उनके शरीर पर पेंटिंग बनाई। फातिमा ने अक्टूबर 2018 में उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था। सबरीमाला विवाद के बाद रेहान ने कहा था कि ये पूरी तरह मेरी इच्छा थी कि मैं अयप्पा को देखूं, क्योंकि मैं सभी धर्मों पर विश्वास और सम्मान रखती हूं, साथ ही सारे रीति रिवाजों का पालन करती हूं। दरअसल कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रार्थना करने की अनुमति दी थी। इससे पहले फातिमा ने फेसबुक पर एक तस्वीर को पोस्ट करके भी विवाद खड़ा किया था, जिसे कई लोगों ने हिंदू धर्म के अपमान के तौर पर देखा था। इस पोस्ट को लेकर फातिमा को 18 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। अक्सर विवादों में रहने वाली फातिमा 2014 में कोच्चि में मॉरल बुलिसिंग के खिलाफ किस ऑफ कैंपेन में भी हिस्सा ले चुकी है। उनके पार्टनर ने किस की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिस पर काफी बवाल हुआ था। बॉडी पर पेंटिंग कराती रेहाना फातिमा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और लोग फातिमा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रेहाना फातिमा का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। फातिमा का कहना है कि वो महिलाओं को लेकर दकियानूसी प्रथाओं के विरोध में खुलकर अपना पक्ष रखती हैं। रेहाना ने एक नाम की एक फिल्म भी काम किया है। इस फिल्म को उनके पति मनोज के श्रीधर ने प्रोड्यूस किया था। इंटरसेक्सुअलिटी की थीम पर बनी इस फिल्म में रेहाना ने कई न्यूड और बोल्ड सीन दिए थे। सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी ललन टॉक शो को लाइक कर दें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी ललन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी ललन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।